इन सब के बीच बड़ी खबर यूपी से भी है, देश के दूसरे राज्यों में भी। कोरोना का जो नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, जो सबसे ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है, इसके केसेस सामने आ रहे हैं। कोविड 19 के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच तेज करने का निर्देश दे दिया है। फिलहाल यूपी में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई मामला, कोई मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन क्योंकि खतरा बना हुआ है, आशंका लगातार गहरी होती जा रही है, इसको लेकर पहले से सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। दूसरे राज्यों की सीमा से सटे जिलों में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के सैंपल को लेकर उनकी जो जीनोम सिक्वेंसिंग है, इसके लिए KGMU भेजने का निर्देश दिया गया। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पूरी सतर्कता बरती जाए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा गया है। और किसी में कोई सिम्टम नजर आते तो कुछ भी नजरअंदाज नहीं करना। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के 6 राज्यों में डेल्टा प्लस के मरीज मिले हैं। तो देखिए, डेल्टा प्लस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है, डेल्टा प्लस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये फैल रहा है अलग अलग राज्यों में। देश में अभी तक डेल्टा प्लस के 41 से ज्यादा मरीज सामने आ गए हैं। कौन से वो राज्य हैं जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस मिले हैं? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, और इसके बाद केरल, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के, जो कि सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसके केसेस सामने आए हैं। अभी तक सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में 5 केस, कर्नाटक में 1 मामला सामने आया, तो जम्मू कश्मीर में 1 केस सामने आया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ज्यादा वक्त नहीं लगाता है फैलने में, और क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो और भी ज्यादा, सबसे ज्यादा संक्रामक, सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है, ऐसे में अगर एहतियात नहीं बरती गई तो ये जो केस है, जो 21 केस है, जो 5 केस है, या एक ऐसे अलग अलग राज्यों में आ रहे हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, इस बात का खतरा बना हुआ है। तो क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट, या आप समझ लीजिए क्यों इतना खतरनाक और घातक है? पहली बड़ी बात इससे जुड़ी हुई है कि डेल्टा वेरिएंट का ही यह बदला हुआ रूप है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक के सबसे तेजी से फैलने वाला यह वेरिएंट है। डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी कि केसेस में बहुत तेजी के साथ इसमें इजाफा हो सकता है। बेहद संक्रामक वेरिएंट, अल्फा से 60% अधिक संक्रामक है यह। डेल्टा प्लस को B.1.617.21 या फिर AY1 नाम दिया गया है। बहुत ही घातक, बहुत ही संक्रामक ये वेरिएंट, और बहुत तेजी के साथ ये फैलने वाला वेरिएंट है। और इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि क्यों खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट, आखिर इससे कितना बड़ा खतरा बना हुआ है इसके इंफेक्शन से। गंभीर बीमारियों का कारण ये बन सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट, या आपको हम वॉल ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो यह आप समझ लीजिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचना क्यों जरूरी है। गंभीर बीमारियों का यह कारण बन सकता है। अस्पताल में एडमिट होने का खतरा 2.6 गुना अधिक है, यानी कि 2.5 गुना से भी ज्यादा इसमें अस्पताल में एडमिट होने की जो स्थिति है, अगर इससे कोई इन्फेक्टेड होता है तो बन सकता है संक्रमित रोगी 5 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है। एक केस 5 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है। 12% मरीज 3 से 4 दिन के भीतर गंभीर हो सकती है, इसमें हालत और भी जल्दी खराब हो सकती है, गंभीर हालत में पहुंच सकता है मरीज। पहले सिर्फ 2 से 3% लोग ही 3 से 4 दिनों में गंभीर होते थे, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट में जो गंभीर हालत में पहुंचने की संभावना है वो और भी ज्यादा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।